मुस्लिम ममालिक की जानिब से मोदी सरकार के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। अब मलेशिया ने नूपुर शर्मा की तौहीन आमेज रिमार्क के जवाब में एहतजाजन हाई कमिश्नर को किया तलब। सदारती काबीना के इजलास में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने सूद को बताया लाना। मुल्क में बढ़ती महंगाई को शरह सूद में इजाफा करके कम करने का मुतालबा कर दिया मुस्तरद। कहा, तमाम बुराइयों की जड़ है सूद। रूस और यूक्रेन के दरमियान शहर सिवेरियो डोनेट्सिक में घमासान की जंग जारी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, हमारे फौजी नहीं छोड़ेंगे पोजीशन, गलियों में भी हो रही है लड़ाई। अलकायदा ने हिंदुस्तान को दी धमकी। कहा, गुजरात, यूपी, मुंबई और दिल्ली में खुदकुश हमले के लिए रहें तैयार। अगर हमने अपने प्यारे नबी का बदला ना लिया तो हमारी माएँ हमसे महरूम रह जाएं। गुस्ताखों को कहीं नहीं मिलेगी पनाह। असदुद्दीन ओवैसी का सवाल। कहा, ये बुलडोजर की सियासत करने वाले क्या नूपुर शर्मा के घर पर चलाएंगे बुलडोजर? फिर कहा, कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि उन्हें हिंदू वोटों के चले जाने का है डर। नूपुर शर्मा का मामला अभी नहीं हुआ ठंडा। क्या ऐसे में एक और बीजेपी लीडर हर्षित श्रीवास्तव ने किया तौहीन आमेज तबसरा। यूपी पुलिस ने किया बीजेपी लीडर को गिरफ्तार।